वो काउंटर से पता चला कि उन्होंने आपको छुट्टी दे दी। हाँ, आज पापा घर जा रहे हैं, अब आप हमारे साथ चलेंगे। कभी जुड़ भी नहीं पाएंगे। हमारी मादनियात, हमारे साहिलों से मफाद हासिल करना चाहते हैं ना वो लोग। मैं भी अपनी सरजमीन को लूटते हुए नहीं देख सकता। कुछ नहीं होगा इस सरजमीन को। ये शोले, ये धमाके हमारे बलूचिस्तान को नहीं मिटा सकते। बलूचिस्तान के इस नाजुक माहौल में इतने आईनी फैसले कर और फिर उन पर अमल करना गैर मामूली बात है। फौजी का हम सफर आप जैसा ही होना चाहिए। अल्लाह खैर करे या हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। सर आप क्यों ऐसी बातें करें? अगर आप इतनी मायूसी की बातें करेंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे अपनी उम्मीदें जोड़ने के लिए? देखो काशिफा, मतलब मायूसी नहीं है। इतिहाद से छोटे से छोटा मुल्क भी तरक्की की राह पे चल पड़ता है और नफाक से बड़ा मुल्क भी बर्बादी के रास्ते पे निकल पड़ता है। सर ये जो मीर शाह नवाज के कबीले का आदमी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया है, तो क्या वो वाकई कोई गद्दार वतन है? कभी कभी फोर्सेस को असल दुश्मन तक पहुँचने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां भी करनी पड़ती है। सर लेकिन अगर इस तरह से वो बेगुनाह और मासूम लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो लोगों के दिलों में तो और नफरतें पैदा होंगी। देखो काशिफा, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस दुश्मन पे हमें शक ना हो वो सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। सर आपको एक बात बतानी थी कि हम सब ने मिलकर ट्रेन वाले बाबा के लिए 50,000 रुपए जमा किए। उनके घर वाले बिल्कुल मखरूज होकर रह गए थे। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं उन तक ये पैसे जमा करके जरूर पहुंचाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, गुड। सर मेरे सारे दोस्त भी इस कोशिश में मेरे साथ हैं। जिंदगी क्या है काशिफा, जख्म पे मरहम रखना और फटे दामन को सीना, यही खैर का रास्ता है। सर अगर आप कहें तो ये शहवार खान वाली बात मैं मेजर खालिद से करूं? हाँ बिल्कुल करो, और बल्कि मेरा भी सलाम कहना उन्हें। सर आपने कहा था ना, खैर से और जुल्म से खबरदार। हाँ भाई, आजकल मैं भी खबरदार हूँ जुल्म से। वहां से वापस क्यों आ गए? यार मुझे तो वहां पे बहुत खौफ आ रहा था। अच्छा तो मुझे बताओ तुमने मुझे वहां पे बुलाया क्यों? बताना पसंद करोगे? वो इसलिए जनाब कि आज की हमारी मुलाकात की गवाह वो तारीखी इमारत है, ताकि कल तुम मुकर ना सको। मगर वहीं क्यों? हम कहीं और भी तो मिल सकते थे, जैसे कि किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में, तो फिर वहां क्यों? बस आज वैसे ही मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे ऐसी जगह मिलूं जो तुम्हारी शायान-ए-शान हो। माफ करना लड़की, मैं इतना भी पुराना नहीं जितना आप मुझे समझती हैं। तुम हिस्ट्री तो पढ़ते हो ना? हाँ बिल्कुल। आज जिस जगह के सन्नाटे से तुम्हें खौफ आ रहा था, बरसों पहले वहां पर हसीन खवातीन की हंसी गूंजती थी, उनकी चूड़ियां खनकती थी, उनकी पाजेबें बजती थी, लेकिन आज सब खामोश है, सारे मंजर मिट गए, लेकिन उन मंजरों का एहसास बाकी है। शुक्र है तुम शहजादी नहीं, वरना बरसों पहले तुम यहाँ आकर जा चुकी होती। किसके साथ जाता मैं वहाँ? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी प्याज़लेब की आवाज सब माजी का हिस्सा बन चुके होते।
तुमने अपनी हंसी सुनी? बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई शहजादी कदीम जमाने में किसी शहजादे की बात पे हंस पड़ी। मुझे तो लगता है कि किसी शहजादी की रूह तुमने आके बस गई है जो तुम्हें हंसाती है। मुझे उस मकाम पर मत लेकर जाओ बहराम, कि जब मैं वहां से वापस लौटूं तो उसकी वापसी पर मेरा दिल आमादा ना, और तुम भी मुझे एक नादान लड़की तस्वुर कर दो, कहकहा लगाकर आगे बढ़ जाओ। यार एक तो तुम बहुत जल्दी उदास हो जाती। चलो आज तुम्हारी ये शिकायत भी दूर करते हैं। मैं बहराम खान बल्द शमरेज खान उस कदीम इमारत की कसम उठा के कहता हूं कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पता है बहराम, आज तुमने उस तारीखी इमारत को गवाह बनाकर जो बुलंद आवाज में इकरार किया है वो पहले किसी ने नहीं किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या है जो आपको अच्छा लगा? मैं बहराम खान वल शमरेज खान वादा करता हूँ आप हैं। क्यों, मेरी जगह किसी और को होना चाहिए? नहीं, जो फोन के उस तरफ है उसी को ही होना था। यानी कि मुझे होना चाहिए? अगर फोन के उस तरफ आप हैं तो आपको ही होना था। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी से नफरत तो आप अपनी नफरत का इजहार कैसे करेंगे? ये तो देखना पड़ता है कि सामने दोस्त है कि दुश्मन। और अगर दोस्त हो तो? अगर दोस्त हो तो अपनी नफरत को दबा लेता हूँ, लेकिन अगर दुश्मन तो मैं एक फौजी हूँ। नफरत का इजहार इसी तरह करता हूँ जैसे किसी फौजी को करना चाहिए। और किसी से मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे? मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको पता चल जाता है। लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं पता चला। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है तो शायद ऐसा कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आपका अदना सा गुलाम बोल रहा हूँ। गुलाम बोला नहीं करते सनोबर खान। बहरहाल तुमने मुझे फोन कर ही लिया है तो बताओ कैसे याद किया मुझे? प्यासे को कुएं का याद कब आता है सरदार साहब? ऐसी कौन सी प्यास जाग उठी है सनोबर खान? खुल के बात करो, पहेलियां बूझने की ना मुझे आदत है और ना शौक। वो असल में सरदार साहब छोटी सी परवाज करना चाहता हूँ। आप ताकत का आसमान है और आपकी मर्जी के बगैर यहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। खुशामद बंद करो सनोबर खान और काम की बात करो। वो असल में सरदार साहब इलेक्शन सिर पे आ गया है और इस बार मैं भी इस कांटों भरे रास्ते पे चलना चाहता हूँ, बस आपकी इजाजत का जरूरत है। आपका दस्त शफकत मयसर हो जाए तो मेरा ये ख्वाब पूरा हो सकता है। तुम्हारी आंखें औकात से बड़े ख्वाब देखने लगी हैं सनोबर खान। सरदार साहब आपका सिर पे ही हम इतना बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो मेरा ये ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर तुम अचानक ये सब कुछ क्यों चाहते हो, इसके पीछे असल मकसद क्या है वो बताओ मुझे। बात सीधा सा है सरदार साहब, इस इलाके के लिए आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया। 65 साल से हम गैरों की तरफ देख रहे हैं, अपने तौर पर अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, मगर मैं इस इलाके और इस जमीन के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बस फोन पर इंतखाबी जलसा बंद करो सनोबर खान, तुम्हारी ये बातें तुम्हारे लहजे का साथ नहीं दे रहे। ना सही सरदार साहब, आप तो मेरा साथ देना।
طاقت کے آسمان پر میرا پرواز ممکن بنا دے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا صنوبر خان، پرندہ چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ اڑ لے، آسمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو پھر تم جو کہہ رہے ہو وہ ہونا بھی چاہیے، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شمریز خان غلطی معاف کر سکتا ہے لیکن غلط بیانی نہیں معاف کرتا۔ بلوچستان کا سایہ ہے شمریز خان، یاد رکھنا۔ سایہ، یہ جسم ختم تو سایہ خود بخود ختم۔ پتہ چلا ان لوگوں کا جنہیں سیکیورٹی فورسز والے اٹھا کر لے گئے تھے؟ نہیں بیٹا، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ ویسے میں نے میجر صاحب سے کہہ دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد پتہ چلانے کی۔ ہتھیلی پہ رکھی ہے جان، ہتھیلی پہ رکھی ہے جان۔ ہزارہ ٹاؤن دھماکے کے خلاف آج کوئٹہ میں سرکاری سطح پر یوم سوگ ہے۔ اس موقع پر پورے صوبے میں قومی پرچم سرنگوں ہے۔ مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں نے کوئٹہ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں کاروباری مراکز بند ہیں جبکہ ٹریفک بھی معمول سے کم ہے۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا تم اس طرح کی چیزیں مت دیکھا کرو، یہ دل و دماغ پہ برا اثر ڈالتی ہیں۔ نہیں امی، آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ماضی کی طرف نہ دیکھوں، آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ منظر نہ دیکھوں جو شاید میرے بابا کی وجہ سے خونوں میں نہائے نہ ہوں۔ ہاں میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارے بابا کا ماضی تمہاری زندگی کو نہ چھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہم بوتے ہیں وہ ہم ہی کو کاٹنا ہوتا ہے۔ لیکن میرے اور تمہارے بابا کی رنجش میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، تم اپنی زندگی کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ مجھے آپ اور بابا کے درمیان تو قسمت نے لا کر کھڑا کیا۔ باپ کا قرض تو بیٹے کو ہی چکانا، اس لیے مجھے دکھ پہنچنا ضروری ہے۔ جب اپنے تڑپتے ہیں تب ہی دوسروں کے دکھوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوں تمہیں باپ کا دیا ہوا دکھ ہی یاد رہتا ہے، ماں کا دیا ہوا سکھ یاد نہیں رہتا؟ ایسی بات نہیں ہے، میرے سینے میں جو یہ ساری آگ ہے یہ آپ ہی کے دکھوں کی وجہ سے لگی ہے۔ وہ دکھ جو کسی نے اپنے گھمنڈ میں آ کے آپ کے دامن میں ڈال دیا۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں بھول جاؤں، صرف آپ ہی کی طرف دیکھوں، مگر یہ میں نہیں کر پاتا۔ مجھے زندگی کے وہ سارے لمحے یاد ہیں جو آپ نے اکیلے تنہا دکھ میں گزارے ہیں، میں انہیں نہیں بھلا سکتا۔ انہیں بلانا چاہتا ہوں مگر یہ میرے بس میں نہیں۔ بہرام، تمہیں بھولنا ہوگا، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ آخر اتنے دکھوں کے باوجود میں کیوں زندہ ہوں۔ میرے سامنے تمہاری زندگی ہے، تم میری موٹیویشنل فورس ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی میں اجالے لے کے آؤ، اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر لو۔ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، پتا نہیں وہ کوشش کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ ہلو جی، میر شاہ نواز خان صاحب، کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ، اب ٹھیک ہو؟ اللہ کے فضل سے زخم بھی بھر گئے۔ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ہم نے آپ پر حملہ کرنے والے کچھ لوگوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا ہے، شاید آپ ان کو پہچانتے ہوں، ذرا آ کر دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ ہلو، یہ میر شاہ نواز خان آئیں گے ابھی، ان کو میرے پاس آفس میں بھجوا دیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جو لوگ شک کے بیس پہ ہم نے گرفتار کیے تھے
वो लोग अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे। अभी मीर शाहनवाज खान आ रहे हैं, इत्तफाकन मेरी उनसे बात हो गई थी टेलीफोन पर। सर आप ऐसा करें, तीनों को एक सेल में लें, मैं उनको लेकर वहाँ पर आता हूँ। राइट, हमारा काम आसान हो जाएगा। राइट, वालेकुम सलाम। बाबा कुछ पता चला उन लोगों का जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उठा कर ले गए थे? नहीं बेटा, अभी कुछ पता नहीं चला। वैसे मैंने मेजर साहब से कह दिया है, वो कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पता चलाने। बाबा कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने मार तो नहीं दिया होगा ना उन्हें? नहीं बेटे, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हमारी हिफाजत के लिए बिना वजह क्यों मारेंगे उसे? अगर वो उसे उठाकर ले गए हैं तो जरूर उसने कुछ किया ही होगा, वरना क्यों ले जाते हैं? बहरहाल पता लग जाए। आई का मां ने कहा कि इन दोनों को भागने का मौका दो और तीसरे को मार दो। अच्छा ध्यान रखना, गोली असली ना हो। प्लान तो दोनों को अच्छी तरह याद होगा। हाँ बिल्कुल याद होगा। मियाँ बीवी ने खाना खा लिए? हाँ वो तो दोनों आ गए दूसरे कमरे में, खा भी लेते हैं और ये बेचारा भूखा शेर। कल तुम में से दो लोग मिशन पर जाएगा, शायद ये दोनों मियां बीवी। तुम इन लोगों को कहीं नहीं ले जा सकते। मैंने बताना था बता दिया, अगर अपना गुनाह बख्शवाना है तो नमाज पढ़ने का मौका दूंगा और दुआ मांग लेना। زیشان، اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ آپریشن، آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور ممکن ہے اس میں وہ بندہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے جس کا ذکر میر شاہنواز کا۔ سر آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میری پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی بے گناہ کا ایک قطرہ خون بھی نہ گرے۔ زیشان، یو نو وطن کا ایک فرد بھی مکمل وطن ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنی کہ صرف مجرم کوئی سزا ملے۔ سر میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں گا سر۔ اوکے، آل دی ویری بیسٹ، وی مسٹ سٹارٹ دی آپریشن ارلی ایٹ سن رائز۔ رائٹ، السلام علیکم۔ मुझे नमाज पढ़नी है। ठीक। हमें इस वक्त यहां से चलना होगा, हमें इस वक्त यहां से चलना होगा। एक मिनट। Thank you.
शामरेज खान साहब, सियासतदान ने किसी को कभी कुछ दिया है मगर फिर भी इलेक्शन जीत लेते हैं। कैसे? वादे, खूबसूरत वादे। आवाम वादों को पसंद करती है। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। बाबा, आपकी दवा। ओ बेटा, अब तो अल्लाह के फजल से मैं ठीक हो गया हूँ। ये दवाइयाँ खा खा के मैं तंग आ गया हूँ भाई। इन्हें अलमारी में ले जाके बंद कर दो। बिल्कुल कर दूंगी बंद, लेकिन ये आखिरी खुराक है, उसके बाद खत्म। चलो भाई, आखिरी खुराक भी खा ही लेते, मगर एक गोली है बहुत कड़वी। कोई बात नहीं बाबा, दवा तो कड़वी ही होती है। ये ले पानी। कड़वी गोली है। कोई बात नहीं, अब खत्म हो गई ना। हेलो, बोल रहा हूँ। क्या, कब हुआ? क्या हुआ बाबा, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, खैरियत तो नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की चौकी पर बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 जवान और 2 सिविलियंस हलाक हो गए और बहुत से लोग जख्मी हो गए। बाबा, आखिर ये कब तक होता रहेगा? हमारी सुबह, हमारी शाम है, कब तक इन धमाकों की आवाजें सुनती रहेंगी? कब तक?
ये ठीक है बेटा कि अंधेरा बात है, लेकिन उजाला भी तो होगा ना। इंशाल्लाह उजाला भी जरूर होगा। कमाल की बात है कि आपने अपनी टेन्योर में, अपने वक्त में, अपने इलाके के आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया और आप फिर उसी इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोग आपको वोट देंगे। शामरेज खान साहब, सियासतदान ने किसी को कभी कुछ दिया है मगर फिर भी इलेक्शन जीत लेते? कैसे? वादे, खूबसूरत वादे। आवाम वादों को पसंद करती है, हम उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं और अच्छे अच्छे वादे उनके दामन में डाल देते हैं। बात तो ठीक है आपकी। आइए, तो हम आपके साथ हैं। मामा, आप तो कहती थी कि हमारे कोई दूर के रिलेटिव्स अब भी बलूचिस्तान में कहीं आबाद हैं। हाँ, तुम्हारे नाना के कजिन हैं बशीर अहमद साहब, लेकिन अरसा हुआ उनसे कभी कोई बात नहीं हुई। तो हम चले उनसे मिलने। उनका कौन सा ट्राइब था? लाशारी। अच्छा, अब वो वहाँ कहाँ रहते थे? यहीं रहते हैं, वो क्वेटा के करीब ही। के मामा, कल संडे है, आप भाई से कहें ना कि वो मुझे वहाँ ले जाएं। मुझे यहाँ के गांव देखने का बहुत शौक है। सब कुछ इतना अपना अपना सा लगता है, एकदम पुरसकून। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, हैव अ लुक ऑन माय पेंटिंग। बहुत अच्छा पेंट किया तुमने। देखो, इन पहाड़ों को हम हर रोज देखते हैं लेकिन कभी गौर ही नहीं किया कि इनके अंदर कितना हुस्न छुपा है। बहुत अच्छा काम किया, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट। कमाल की बात तो यहाँ का कलर कंट्रास्ट है, इतने आइडियल कलर्स हैं। इन पहाड़ों को देखे तो ऐसा लगता है जैसे किसी एक्सपेंसिव मटेरियल से बने हैं। What a light and shade. Oh God. भाई, हम नानाबू के कजन के यहाँ चले। नानाबू के कजन? भाई, पहले मेरी उनसे बात तो हो जाए। चलें। ये कौन है नानाबू के कजन? तुम्हारे नाना के कजन है बशीर साहब। चलें, आप उनसे बात कर लें। तो अगर आपकी बात हो जाती है तो मुझे बताइएगा, कल मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, कल हम उनसे मिल लेंगे। I'm sorry, मुझे जरा जल्दी है, मैं चलता हूँ। और क्या प्लान्स है तुम्हारे संडे के? बस सबसे ज्यादा तो अच्छी बात होगी कि कल हम जाएंगे। सुंबल, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ तुम्हारी जायदाद का हवाला रखा है। शायद दुनिया वाले वाकई में ये ना समझे कि मैंने तुम्हारी दौलत की लालच में आके तुमसे रिश्ता कायम किया है। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। अंकल ने आज तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। वो इतने तल्ख हो जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। तो वो तुम्हारी शादी अपने बेटे अदनान से कराना चाहते हैं? हाँ। सुंबल, सारा मसला तुम्हारी जायदाद का है। तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, तुम भी, ताकि तुम उनसे अपना हक ना मांग सको। तुम्हें एक फैसला करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मुझे फिर फैसला करना होगा? क्या मुझे फिर अपने जज्बों की वजाहतें करना होगी? सुंबल, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ तुम्हारी जायदाद का हवाला रखा है। शायद दुनिया वाले वाकई में ये ना समझे कि मैंने तुम्हारी दौलत की लालच में आके तुमसे रिश्ता कायम किया है। मुझे शक था तुम्हारे अंकल तुम्हारी जायदाद अपनी मुट्ठी में करने के लिए कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे से करने का फैसला किया। अब मुझे समझ में आ रहा है, वो मोहब्बतें, शफकत और निगेबानी का खेल क्या था। बल, तुम किसी वकील को जानती हो जो तुम्हारे खानदानी मामलात को करीब से जानता हो? मुझे नहीं पता कि पापा ने किस लॉयर से वसीयत के पेपर्स बनवाए।
अंकल ये जानते हैं। देखो सिंपल, मेरी बात गौर से सुनो। तुम दिल में एक फैसला करो और उस फैसले पे डट जाओ। देखो जायदाद तुम्हारा हक है और वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जहां तक बात रही शादी की, तो शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी, ये मेरी ख्वाहिश है। सुन बिल, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हुआ? चले जी, किसी ना किसी तरह अपने दोस्तों को खबर करनी होगी। खबर? कैसे खबर करनी होगी? परेशान होंगे, वो ढूंढ रहे होंगे। यकीन नहीं आता शायद खान, ऐसे जमाने में जहां पे हर तरफ खतरा है, तुम अपने दोस्तों पर कितना यकीन रखते हो। अच्छे दोस्त खुदा का इनाम होते, खून के रिश्ते तो विरसे में मिलते, दोस्त विरसे में नहीं मिलते। फिर मेरे दोनों दोस्त मेरे लिए वो कर सकते हैं जो खून के रिश्ते भी नहीं। डर गई हूँ मैं शहबाज, तुम्हारा अपने दोस्तों पर इतना यकीन, कहीं तुम्हें किसी खतरे में ना डाल। मेरे दोस्त मेरे लिए खतरा नहीं बन सकते, बल्कि मेरे लिए खतरों से लड़ते हैं। और अब तो मुझे उनकी और भी जरूरत। उन लोगों के साथ तो वो कर जो कभी किसी दुश्मन ने भी नहीं किया होगा। बेचारा मेरा शौहर, तेरे तुम लोगों ने क्या किया होगा उसके साथ? दिया गया पक्की लड़ाई लड़ने वाले कभी नहीं मरते, वो बेचारा बस जुल्म बर्दाश्त करता। मेरे ख्याल में चलो तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत नेक भी। मुझ जैसे अजनबी के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाला, शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा था मैं सिर्फ अपनी जमीर की सुनता हूँ। मेरे टीचर कहते थे कि जमीर रूह की आवाज है और जज्बात जिस्म की। सही कहते थे तुम्हारे टीचर। कहा किसी और ने, मुझे मेरे टीचर ने। शबान खान तुम कितना पढ़े हो? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। मेरी तो ख्वाहिश थी कि इस मुल्क का हर बच्चा अपने हाथ में कलम उठाता, मगर इस दौर ने मेरे ही हाथ में असला पकड़ा दिया। मेन रोड आने वाली है, पर होशियार रहो। आपके सारे सवालों के सही से जवाब दूंगा, दुरुस्त जवाब दूंगा, चाहे मुझे सजाए मौत क्यों ना हो जाए। लेकिन सर, सर मेरे मेरे बच्चे को बचा लें, सर मेरे बच्चे को बचा लें। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। आईडी तुमने लगाई थी?
जी सर। कहाँ से हासिल की थी? मैं खुद आईडीज बनाता हूँ। खुद बनाते हो? जी सर। सर आपके सारे सवालों के सही सही जवाब दूंगा, तुरंत जवाब दूंगा, चाहे मुझे सजाए मौत क्यों ना हो जाए। लेकिन सर सर मेरे मेरे बच्चे को बचा लें सर, मेरे बच्चे को बचा लें। तुम फिक्र मत करो, हमारे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। सर मेरा ख्याल है मेरा बच्चा अब मेरे दोनों पैरों पर नहीं चल सकेगा। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसको फौरी तिबी इमदाद दे दी गई है। और बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि मसनूई अज़ा लगा के भी बड़ी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने बच्चे का मुजरिम हूँ। मुजरिम तुम नहीं हो कि वो लोग हैं जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा ठीक हो जाए सर मैं उन सबको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। नहीं अब तुम्हें मंजराम पे नहीं आना बल्कि तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। सर मैं आपको बताऊंगा वो कहां कहां रहते हैं और उनके प्लान्स क्या हैं। सबके सब जंजीरें जरूर टूटेंगी, तुम सिर्फ सब्र करो, जुल्म अपने अंजाम पर जरूर पहुंचेगा। मेरी पसंद शहवार खान है। हमारे रिश्ते बाद में आते हैं, पहले वतन के लोगों का हक है हमारी जिंदगियों पर। हमारी जिंदगी उनका कर्ज है, इसलिए हिम्मत से काम लो। यही एक फौजी की शान है कि वो अपने जख्म को जख्म नहीं बल्कि चिराग समझता है।